पांटा जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, लोगों की है कि आपका संपर्क हो और आप अपने विचार रखें। मनोज रंगटा जी जो एसएमसी के प्रेसिडेंट भी हैं, मनोज रंगटा जी अगर सही है तो रंगोटा जी होंगे। मनोज जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार पांडे सर। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आपने स्थाई 15,000 स्थाई अध्यापकों के लिए कदम उठाए। और मैं पहले तो पांडे जी हमारी तो यही है कि भाई जितने भी स्थाई टीचर लगे पीटीए पैरा पैट एसएमसी है सबको सरकार को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज से ये भर्ती नहीं हुई, 1985 से भर्ती चली हुई है। ठीक है सर, तो इसमें जो है मैं तो खैर अपनी बात करूंगा एसएमसी टीचर की करूंगा। तो पूर्व भाजपा सरकार ने जो 2012 में इसको हार्ट और ट्राइबल एरिया के लिए नियुक्ति की थी तो उसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी इनको आगे जारी रखा बिकॉज स्कूलों में पोस्टें खाली बहुत ज्यादा थी। तो सर इसमें जो है आज ये हालत हो गई हमारे कि 6 साल बीतने के बाद भी हमें एक छुट्टी तक नहीं दी जाती है। और वर्तमान में जितनी बैकडोर एंट्री हुई हिमाचल एजुकेशन इतिहास में सबसे बड़ी एसएमसी क्वालिफाइड है और कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है कि सरकार को हमारे लिए नीति बनाने में कोई समस्या हो। समय समय पर हमने भी सरकार को आदरणीय भारद्वाज जी को भी और हमें बुरी आशा है कि जयराम जी हमारी समस्याओं को अवश्य सुनेंगे और हमारे लिए पीटीए पैरापैट के साथ जो एक स्थायी नीति का प्रावधान करेंगे। और जहां तक हमारे बेरोजगार भाई में पवन ठाकुर जी कल बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ा सही वाक्य कहा कि कुछ इसमें बैकडोर एंट्री है कुछ है। तो मेरा पवन जी से ही अनुरोध है कि एक टीचर को अंकलन अगर आप वो इंटरव्यू से जाता अंदर या बैकडोर के थ्रू लगते तो उसकी क्वालिफिकेशन को आप आंक नहीं सकते। अभी पांडे जी मैं लेटेस्ट आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ एसएमसी कम से कम 6 सालों में 100 अध्यापक जो है एसएमसी को छोड़कर रेगुलर कमीशन से अन्य विभागों में चले गए। वर्तमान में हमारे कोई 40 अभी जो सीएनडीवी और टीजीटी का कमीशन जो हमारे अध्यापकों ने क्वालिफाई किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी योग्यता भी बिल्कुल कम है या कुछ और है कि पवन ठाकुर की तरह नहीं जी। अगर आप सिस्टम में नहीं लग पाए पीटी के उन्होंने इंटरव्यू दिया था पैट की तरफ नहीं लग पाए और तो इसका मतलब ये सब बेवकूफ है क्योंकि 15 सालों में अगर पीटीए ने काम किया पैट ने काम किया सेम से तो ऑब्वियसली इतनी एक्सपीरियंस तो आ जाता है उनको, मैक्सिमम बीएड की होती है। और ये तो एक बेरोजगारों का सर बिल्कुल अनिंदनीय काम है कि जो लोग लगा है उसको भी जीने नहीं दो और लूटते जाओ। तो सर इसमें तो कहां से हैं आप? मैं सर रोडू से हूँ। रोडू। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे मनोज जी? बस लोग आपको सुनने के लोग आपको बेकरार पांडे जी हम इतना कहेंगे कि भी ठीक है हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय जयराम जी को पीटीए पैरापैट एसएमसी सभी अध्यापकों का 15,000 लोगों का उनकी सेवाओं को देखते हुए जो है एक स्थायी नीति बनानी चाहिए सर। इसके लिए कोई ज्यादा कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। और जो बेरोजगार लोग है कि अगर मैं नहीं लगा इस पॉलिसी में तो मैं बेरोजगार हो गया। सर हम इससे पहले बेरोजगार में 2012 में बेरोजगार था 10 में बेरोजगार था तो क्या हम लोग यही बोलते कि नहीं जी कोर्ट केस करो पीटीए के खिलाफ? ये तो एक बड़ा गलत प्रभाव है सर। तो इसके लिए सर बेरोजगार जो एक ढाल बनाकर जबरदस्ती काम कर रहा है और मैं तो ये कहूंगा कि एक पैसे हटने का काम भी हो सकता है सर। बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं है सर क्योंकि अगर आप लगे नहीं है तो आप बेरोजगार हो गए, अगर लग गए तो आप रोजगार है। तो इसमें सर मेरा तो यही सुझाव है कि हमारी जो है पीटीए पैरापैट एसएमसी जो है सब जो है प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। मैं खुद सर डोडरा क्वार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, वो तो आपने खुद सुना होगा, जहाँ 10-15 सालों से कोई टीचर नहीं था, 10-15 साल बाद एसएमसी ने एक अध्यापक लिया। तो इसी तरह और हमारे जो है एसएमसी भाई लोग प्रदेश के दुर्गम पांगी भरम और लाहौल स्पीति और किन्नौर में सेवाएं दे रहे हैं। तो आपकी मुहिम अवश्य रंग लाएगी और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्थायी अध्यापकों के लिए इस संघर्ष को जारी रखिए। जय हिंद सर। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। कुछ आपके फॉलोअर्स कुछ आपके मित्र आपको सुनना चाह रहे थे। सुनील चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं।